नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी आई क्यू के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में मुझे थोड़ा सा फीवर था, इस वजह से मैंने सोचा रेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस बनाने हैं। इस वजह से कल का वीडियो स्किप हो गया था, लेकिन कल वाले क्वेश्चंस भी आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा प्रश्न शुरू होता है। आप सभी लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हाइपर लूप कॉन्सेप्ट को सुना होगा, ठीक है। हाइपर लूप इसमें होता है, हाइपर लूप टेक्निक में क्या होता है, एक बड़ा सा हाइपर लूप बनाया जाता है जिसके अंदर में ट्रेन जो होती है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स बन चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं रहे जिसने हाइपर लूप परियोजना को मंजूरी प्रदान करी हो। लेकिन हम सभी लोग बड़ी ही खुशकिस्मत वाले हैं कि भारत दुनिया का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट करने वाला है। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि भारत के किस राज्य ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये जो हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बनेगा, ये बनेगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश कौन सा बना है जो कि परिवहन के लिए हाइपर लूप परियोजना को इम्प्लीमेंट करेगा, तो देश हो गया भारत। लेकिन अगर पूछे जाए भारत का कौन सा राज्य, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये एक हाइपर लूप है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट डी ऑप्शन है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या, एक हाइपर लूप बनाया जाता है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक ट्रेन होती है जो उसी लूप के अंदर ही ट्रेवल करती है। कुछ इस तरीके से आपको इसका बाहर से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये पीछे मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है, बीच में कुर्सियाँ होती हैं बैठने के लिए। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं उनसे भी दोगुनी स्पीड से ये चलेगा, यानी कि इसमें जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। साथ ही साथ में ये जो ट्रैक है ये मुंबई से, पुणे से मुंबई के बीच में इसको चलाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कितने राज्यों में पायलट बेसिस पर लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है इसको भारत के 4 राज्यों में पायलट बेसिस पर लॉन्च कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें इस योजना को लॉन्च किया गया है, वो राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 4 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड परियोजना को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वन नेशन यानी कि एक देश और एक राशन कार्ड। अब आपको क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग राशन कार्ड लेना पड़ेगा, आप सिर्फ एक राशन कार्ड लेंगे और जिससे किसी भी राज्य में आप राशन कार्ड की मदद से अपना सस्ते रेट पर अनाज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सस्ते रेट पर आपको गेहूं, चावल ये सभी कुछ दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अपने इस वन कार्ड को आधार कार्ड से रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को मिस इंग्लैंड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो मिस इंग्लैंड 2019 से भारतीय मूल की भाषा मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पेशे से डॉक्टर भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप भाषा मुखर्जी का फोटो भी देख सकते हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में गिनी देश के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो, गिनी देश के सर्वोच्च पुरस्कार से हाल ही में रामनाथ कोविंद यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। आपको भी पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस समय अफ्रीकन कंट्रीज की विजिट पर हैं, जिनमें से जब वो गिनी देश पहुंचे तो उस देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उससे रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, गिनी देश का जहाँ पर रामनाथ कोविंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इसका पूरा नाम है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो, बात करेंगे गिनी देश की जो कैपिटल है वो है क्रॉनक्री और गिनी की जो मुद्रा है वो है गिनी फ्रैंक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा, फीफा बेस्ट मेन्स प्लेयर अवार्ड के लिए
इनमें से किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर के अवार्ड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी दोनों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रोनाल्डो और मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोनाल्डो का फोटो और ये रहा मेसी का फोटो जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक की अनुमति के विदेश यात्रा जाने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही आप यहाँ पर सुन रहे हैं। पहले क्या था, सऊदी अरेबिया में किसी भी महिला को ये परमिशन नहीं थी कि वो बिना अपने पार्टनर के कहीं विदेश यात्रा पर जा सके, लेकिन अभी रिसेंट में सऊदी अरेबिया में बिना किसी पुरुष अभिभावक की अनुमति के अब यहाँ सऊदी अरेबिया की जो महिलाएं हैं वो विदेश यात्रा कर सकती हैं। अगर आपने 2018 के करंट अफेयर्स आपको याद होगा तो सऊदी अरेबिया में जो महिलाएं हैं उनको कार चलाने का भी परमिशन नहीं था, लेकिन 2018 में सऊदी अरेबिया की महिलाओं को कार चलाने का भी लाइसेंस मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी विदेश यात्रा पर किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा करी है? आपको मैंने पहले बताया था रामनाथ कोविंद इस समय अफ्रीका के दौरे पर है, जिसके दौरान गाम्बिया नाम का एक देश है, फिर से समझना, गाम्बिया नाम का एक देश है जिसको 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान करी जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रहे गाम्बिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर गाम्बिया को 5 लाख अमेरिकी डॉलर भारत मदद स्वरूप प्रदान करेगा। वर्ल्ड के मैप में अगर हम लोग देखना चाहें तो गाम्बिया कहाँ पर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पहुँचते हैं सबसे पहले, तो ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें ये लाल कलर से जो आपको देश दिख रहा है छोटा सा, ये है गाम्बिया जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने किस बैंक को देश में बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो अगर बात करी जाए यहाँ पर बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI ने बैंक ऑफ चाइना को, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने देश में यानी कि भारत में बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर आप एक तरफ देख सकते हैं बैंक ऑफ चाइना का फोटो और एक तरफ देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का फोटो, जो कि भारत ने अभी ऐसी अनुमति प्रदान कर दी है। अब दोस्तों हम लोग कल वाले क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कल का वीडियो मैं नहीं बना पाया था। तो क्वेश्चन है कि 2 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2 अगस्त 2019 को अगर बात करी जाए इस बार, यानी कि यहाँ पर 2019 भी लिखा होना चाहिए, तो 2 अगस्त 2019 को इस बार 143वीं जयंती यहाँ पर पिंगली वैकैया की मनाई गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंगली वैकैया का फोटो। अब यहाँ पर देखो पिंगली वैकैया के फोटो के साथ में ये झंडे का फोटो क्यों आ रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगला प्रश्न बनेगा, वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उसका जो डिज़ाइन है वो पिंगली वैकैया ने तैयार किया था। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि भारत के झंडे का जो डिज़ाइन है उसको पिंगली वैकैया ने तैयार किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप शुरुआत से देखना चाहें तो 1906 में हमारा झंडा कुछ इस तरीके से दिखता था, 1907 में ऐसा, 1917 में कुछ ऐसा हुआ, 1921 में उसमें चरखा आ गया, 1931 में भी चरखा था, 1947 में उसे चरखा हटा कर वहाँ पर चक्र कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें और क्या प्रश्न बन सकता है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1947 में, 1947 में ये जो तिरंगा झंडा था उसमें चरखे की जगह चक्र आया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए वित्त सचिव बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इंडेक्स 2019 में एशियाई देशों में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो ग्लोबल विमेन एंटरप्रेन्योर जो सिटीज़ हैं उसमें सिंगापुर ने एशियाई देशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसी के अलावा इसी वाले इंडेक्स में एशिया में बेंगलोर कौन सी रैंकिंग पर आया है? तो यहाँ पर बेंगलोर की अगर बात करी जाए
ग्लोबल विमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इंडेक्स में बेंगलोर 7th पोजीशन पर आया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलोर 7th पोजीशन पर आया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा भारतीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत करी गई है? तो यहाँ पर देखो, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के लिए की तरफ से ये जो शिल्पकारों के लिए बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करी गई है उसका नाम है रक्षक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्षक नाम से एक योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 300 अरब डॉलर के चाइनीज आयात पर कितने फीसदी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10% टैरिफ यहाँ पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं, कल से हम लोग रेगुलर बेसिस पर इस वीडियोस को देखेंगे, एक दिन का गैप हो गया है, लेकिन पीडीएफ आपको दोनों ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है 11 बजे के आसपास में मॉर्निंग में मैं पीडीएफ दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं आपको रात के 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी बड़ा मुश्किल है इसके मैं पीडीएफ भी लगाऊँ। अभी इसको अपलोड कर देता हूँ, 11 बजे के आसपास में आप इस वीडियो को देखना आके, इसमें मैं इस दोनों पीडीएफ को भी इंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।